इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी लाइन लगानी है। आंख बंद करके हम सब लोग एक परिक्रमा लगाते हैं अपने माता पिता के नाम का। जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः। आंख खोलने क्यों है, आंख बंद करके मग्न हो जाइए। ये कोई फोर्सफुली नहीं करा रहा आपसे, ये आपकी अपनी अंदरूनी इच्छा है। पर अगर सबकी परिक्रमा पूरी हो गई है तो एक बार हाथ उठा के ताली बजा के अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ब्रह्म को तैयार कराया है संगीता जी और आंचल जी ने। इस गाने के बाद फिर हम आएंगे अपनी मूल धारा में जो भरी हुई है राधा और कृष्ण के रस के साथ, और हम सब मिलजुल कर उसका आनंद लेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी नंबर 3 टीम के लिए। इस प्रस्तुति के पीछे जो मेहनत की है वो मेरी धर्मपति ने की है, नीतू गौतम जी ने, तो मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये मौका बहुत कम मिलता है, पत्नी को धन्यवाद देने का। समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा कान होगा, तेरा कान होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा कान होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा कान होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा, देवकी का अष्टम गर्भ मुझे मार डालेगा। देवता भी जिसकी पच्चाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट
जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। यह मत भूलिए कि यह मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन ऊपर से नवविवाहिता, इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो धर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं, भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा तो मैं आपको वचन देता, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? आठवीं संतान तो बहुत दूर की बात है, इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूं। हमने ये प्रस्तुति देख ली है, इसके बाद अगली प्रस्तुति की तरफ प्रस्थान करते हैं और मैं अगली टीम से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए। अगली प्रस्तुति है कि जब भगवान श्री विष्णु माता देवकी और वासुदेव जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन देते हैं और उनको उनके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य कि हमारे प्रभु के माता पिता जेल में बंद हैं, कैद में बंद हैं और साक्षात प्रभु उनको दर्शन देकर धन्य कर रहे हैं। तो चलिए प्रस्थान करते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुत्तपा थे और आप उनकी पत्नी देवी प्रश्नी थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। हे माता, मेरा ये चतुर्भुज रूप अति दुर्लभ है, परंतु आपकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर
आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। देवकी और वासुदेव जी को अपना परिचय दिया तो प्रभु मातृत्व के प्रेम में फंसकर अपने रूप दिखा गए। और दोबारा जब उन्हें एहसास हुआ कि अब मैं इनका पुत्र बनकर आने वाला हूं, तो प्रभु को यह लगा कि मुझे दोबारा इनको रूप दिखाने हैं, क्योंकि मां को वो दूर मैं पुत्र बनकर तो दोबारा नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि किसी भी मनुष्य की ऐसी शक्ति नहीं है जो प्रभु के रूप को अपनी आंखों से देख पाए। दोनों भावनाओं का अनुभव करेगी।
चाहिए। कर्ज के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ी पड़ी है और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगी, अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नई राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखा। वहाँ यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसे वहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, आपने भरपूर आनंद लिया, इस बार आपने हॉस्पिटल में नहीं साक्षात यहाँ देखा है, तो तालियों से इसका जवाब दें और हमारे कान्हा जी का स्वागत करें। बढ़ते हैं जो भगवान कृष्ण का नंद बाबा के घर में उत्सव है, उसकी झलक आपको दिखाते हैं। और इस प्रस्तुति के पीछे जिनकी भागीदारी है वो है मीनाक्षी जी और आंचल जी। जोरदार तालियां हमारी अगली प्रस्तुति के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अगली टीम का, जो है मेरे माताजी द्वारा प्रस्तुति की गई इसकी, और साथ में भाभी भी है, मैं सॉरी आपका नाम भूल गया हूँ, तो प्रभु का ब्रह्मांड दर्शन। यहाँ बैठो। अब चुपचाप यहीं बैठे रहना, मैया स्नान करके अभी आती है। यशोदा, आज लल्ला को पहली बार घाट पे ले आई, क्या करो कौशल्या, ये अब अकेला घर में छोड़ने के योग्य नहीं रह गया, जाने कौन सा तूफान मचा दे। देखता ना, तू चुपचाप यहाँ बैठना, मैया स्नान करके जल्दी ही वापस आती है। अच्छा। प्रभु,
अपनी दासी पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, आज आपने पहली बार अपने दिव्य चरण मेरे वक्ष पर रखे हैं। आज मैं धन्य हो गई। आज तक आप पालने में या माता की गोद में अथवा अपने महल में ही घूमते रहे हैं। मेरे वक्ष को तो आज पहली बार इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। आज आपने मुझ पर कृपा की है तो आनंद के मारे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मेरे पास तो केवल मिट्टी और कंकड़ ही है। मैं आपको क्या भेंट करूं? हे पृथ्वी माता, सारे विश्व में तुम जैसा क्षमाशील कोई नहीं। तुम्हारी धरती पर साधु भी विचरते हैं और महापापी भी अपने क्रूर चरण धरती पर रखकर चलते हैं। कुछ लोग तुम्हारी धरती पर पुण्य कर्मों के फूल खिलाते हैं और कुछ तेरे धरती पर पाप का लहू भी बहाते हैं, परंतु तुम सबको सहन करती हो, सबको अपनी गोद में धारण करती हो, अपना सीना फाड़कर सबके लिए अन्न देती हो, सबका भरण पोषण करती हो। माँ की भांति अपने सब अच्छे बुरे बालकों का कल्याण ही करती हो, किसी का अहित नहीं करती। इसलिए माँ, तेरी मिट्टी इतनी पवित्र है, इससे अच्छी भेंट मेरे लिए और क्या होगी? तेरी मिट्टी में तो अमृत जैसा स्वाद है माँ, अमृत जैसा। मैं इसे ही नैवेद्य समझकर स्वीकार करता हूं। जोरदार तालियां हमारी माँ यशोदा और हमारे नन्हे कृष्ण के लिए। अगली लीला जिसमें
उनका उखल से बांधा जाता है और वो अपने लीला स्वरूप क्या दिखाते हैं ये अगली प्रस्तुति में आप सब देखेंगे। तो जोरदार स्वागत करें हमारी अगली टीम का जो शिल्पा सिंगल जी ने तैयार की है। घर से माखन चुरा के खाओ ना। किसी का माखन क्या तो पर तुम्हें माखन नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने बसंती के घर चोरी की है। पहले कान पकड़कर क्षमा मांगो और फिर वचन दो कि कभी चोरी नहीं करोगे तभी माखन मिलेगा। हाँ पहले क्षमा मांगो। पट्टी खोलो। अरे जाओ तोड़ के दिखाओ। ठहर तो जरा आज दिखाती हूँ तुझे। ठहर जाओ मजा न चखाया तो मेरा नाम यशोदा नहीं। इधर आ। सारा दिन इस ओखली से बांध कर रहूंगी तुझे। धूप में सड़ता रहेगा तुम्हारा। फिर देखती तू कैसे सब कुछ करता है। ले अरे दैया कितना बड़ा बैठा है तेरा। मैं तुझे इससे लंबी रस्सी से बांधती हूँ। यमुना घाट नहीं चलना है क्या? चलना है। पहले इस नटखट को ठीक तो कर लो। अरे क्या कर रही है उस बेचारे को? ये बेचारा दिखाई दे रहा है तुम्हें? माखन मांग रहा था, नहीं दिया तो देखो इसका गुस्सा। पेड़ा मारकर चाटी तोड़ दी। कितनी लंबी रस्सी बांधती हूँ और हर बार वो दो अंगुल छोटी रह जाता। अरे मैं तो हार गई रे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तुम कोई रास्ता बता। कैसा चल गया है रे तू? अब तक तो पेट फुला रहा था, अब कैसे आराम से बंद किया? अब इस ओखल से बांध कर पूरा दिन धूप में पड़ा रहने दूंगी। जब तक मैं स्नान करके आऊं तू यही बना रहे। हाँ यही दंड है तेरा। कौन है वो? वो किसना? जी हाँ वो किसना है और यही है हमारी अगली प्रस्तुति जिसे प्रस्तुत करेंगी किशोर डांस स्टूडियो एंड खुशबू जी। और मेरे पीछे ये नन्हे कलाकार तैयार खड़े हैं तो समय व्यर्थ नहीं करूंगा। डीजे बाबू से बोलूंगा प्लीज़ इनकी ऑडियो प्ले करें नंबर 10। बिना कोई समय व्यर्थ किए है माखन चोरी लीला। तो मुझे एक राज अभी तक समझ नहीं आया कि ये भगवान के पीछे चोरी का टाक किसने लगाया और क्यों लगाया? क्या ये वाकई में चोरी थी? जी नहीं, ये प्रेम था और प्रेम में चोरी जायज़ है। और ये अगली प्रस्तुति अपने आप में बताएगी कि ये जायज़ है कि नहीं। और
इस खूबसूरत प्रस्तुति की रचयिता हैं श्री मती दीपा पांडे। सब तेरे छोरे की शिकायत करती है, झूठा बदनाम करके रखा है मेरे बेटे को। मैं कई बार सबसे कह चुकी हूँ कि एक बार स्वयं पकड़ कर ले आओ उसे, तो मैं मानूंगी। वो पकड़ा जाए तो ना, फिर तो ये बदनाम करने वाली बात हुई। इस घर में माखन की कमी है क्या? हाँ, अगर किसी का जेवर धन या गहना चुराया होता तो चोर कहो। नहीं, वो और कुछ और का माखन चुराए तो वो सब शिकायत क्यों करती है? दुखिया है बेचारी, इसीलिए। किस बात का दुख है? मैं प्रेम का। प्रेम का? हाँ काकी, प्रेम का। किसके प्रेम का? मेरे प्रेम का, वो सब मुझसे प्रेम करती है। कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बांसुरी को कैसे छोड़ सकते हैं? तो उन्हीं को याद करते हुए मैं कुछ धुन प्रस्तुत करूँगा, आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। एक बार जोरदार तालियां शरद सक्सेना जी के लिए। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं हमारी बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति हमारे नन्हे कृष्ण और राधा की, तू मन की अति भोरी, और इसे तैयार किया है श्रीमती कोमल राणा और दीप्ति जी ने। एक बार स्वागत है आपका। आप क्योंकि पीछे मंच की तैयारी ये लोग कर रहे हैं अगली प्रस्तुति की, जो है गोवर्धन पर्वत लीला। इस प्रस्तुति को तैयार कराया है श्रीमती कोमल गुप्ता जी ने, तो जोरदार तालियां हमारे नन्हे कलाकारों के लिए। वासुदेवाय ॐ नमः।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ पुत्र, क्या कहा थी तुमने? इस लोस्तम में तेरा विष्णु है। यदि इस लोस्तम में तेरा विष्णु है तो जा, गले लग इसके, जा। आगे बढ़ दुष्ट, अपने विष्णु का आलिंगन कर, जा। जो आज्ञा पिताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। जिसकी सहायता से तूने इस लोस्तम को ठंडा कर दिया, चल गो, बांधो इसे इसी खंबे से, आज मैं इसके प्राण लेकर ही टांगूंगा, बांधो इसे। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण, कर ले। यदि तेरे पथानुसार इस स्तंभ में विष्णु है, तुझे दर्शन दे और तेरे पथ का दृश्य भी देखे। अब तो जीवित नहीं बचेगा।
तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। भीतर मर सकता हूँ न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था, देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मान सकता है ना मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव, मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु अस्त्र संभव है, और अस्त्र से मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र, मैं अपने नाखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ, तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? गोकुल की, गोवर्धन की जो मस्त माटी है, जो मस्त धूल है, जो धर्म से प्रेम से उसका कण कण हरी हरी बुलाता है, वो प्रस्तुति हमें ये बच्चे हमारे अभी दिखाने वाले हैं। तो जोरदार स्वागत करें अगली प्रस्तुति का, जिसे बनाया है श्रीमती माधवी मिश्रा जी और राधा शुक्ला जी ने, और इस गीत का नाम है कान्हा बरसाने में आ जाएंगे। Oh!
पुरुष के प्रति अपना पौरुष छोड़ के ये देश तो कभी आकारण नहीं कर पाएगा। मत आइए महादेव, हमने कहा था ना आपसे, आपसे रास नहीं हो पाएगा। रास में भाग लेना है तो पूर्ण नारीश्वर अर्थात नारी रूप धारण करना ही होगा, परंतु उसके लिए तो मुझे किसी स्त्री की सहायता की आवश्यकता होगी। गौरी तुम्हें कुछ सुझाव दो ना। देखिए बोलना, आप यमुना के तट पे खड़े हैं, काली मैया यम यमुना, फिर भी हमसे सहायता के अभिलाषी है। एक काम कीजिए, आप वस्त्र धारण करने से पूर्व यमुना में डुबकी लगा लीजिए, स्वयं को यमुना को समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। उन्हें बुलाने के लिए महाप्रेम की आवश्यकता है, राधा कृष्ण के प्रेम की आवश्यकता है, अब महादेव को बुलाने के लिए महानिमंत्रण की आवश्यकता है। राज्यसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते। राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं, परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहाँ आने का न्योता भेजा था।
ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो ये उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। इसीलिए हमने मथुरा के इस महान उत्सव में आने के लिए तुम्हें निमंत्रण भेजा था। अच्छा हुआ तुम स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस, ये तेरा अंतिम समय है। अभी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है इस महाबली कंस को। मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? कंस वध के लिए बहुत ही खूबसूरत। तारा जी एक बात बताइए, तेरी पुण्य व्रत का अनुष्ठान कैसा होगा जैसा आज तक किसी ने न देखा होगा न सुना होगा? उसके लिए मैंने स्वयं देवर्षि नारद से प्रार्थना की है कि वही मेरे इस व्रत का पूर्ण विधि के साथ आयोजन करे। उन्होंने स्वीकार कर लिया? हाँ। बस तो हो गया तुम्हारा काम। वो तो समस्त विधियों के ज्ञाता है, परंतु जैसा वो कहे वैसा ही करना, अन्यथा वो ऋषि बड़ा मनमौजी है, बीच में छोड़कर चल देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कृष्ण पत्नी सत्यभामा का व्रत है, कौन से छोड़कर नहीं जाएगा। बस आप देखिए कि व्रत का शुभारंभ कैसा होता है। आपका संकल्प सफल तथास्तु। इस सुपारी में श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए अपने मन में उनके नामों का जाप करते हुए उनका अभिषेक करो। गणपति आदि और अंत के स्वामी हैं, ये विघ्न विनाशक हैं, इसलिए इनसे मन में यही प्रार्थना करो कि आपका ये महान पुण्य व्रत आदि से अंत तक निर्विघ्न रीति से संपन्न हो। सिद्धियां भी मिलती हैं, परंतु यहाँ
बिना मोल के मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर घर की हर सीधी की कीमत किसी न किसी दूसरे रूप में देनी ही पड़ती है। सो जब मानव कोई व्रत अथवा अनुष्ठान के द्वारा अपने भाग्य से अधिक पाना चाहता है तो उसे किसी दूसरी शक्ल में उसके बराबर की कीमत देनी पड़ती है। दान देने का यही भाव। तो बोलिए, अपनी कामना सिद्धि के लिए मुझे कितनी कीमत देनी होगी? कितना सोना, कितने बैलेंस है, आभूषण, जो चाहिए जितना चाहिए मैं उतना दान करने के लिए तैयार हूँ। पुण्य व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है कि जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो उसी का दान करना पड़ता है। ये बताइए कि इस संसार में क्या आपको हीरे मोती आभूषण सोना यही सबसे अधिक प्यारे हैं? संसार में सबसे अधिक प्यारा क्या है? सबसे अधिक प्यारा? हाँ, सबसे अधिक प्यारा सोचिए क्या है, कौन है जो आपको सबसे अधिक प्यारा हो? मेरी संसार में सबसे अधिक प्यारा एक ही है। कौन कौन? मेरे पति द्वारकाधीश। अपने सार्थक व्रत की सिद्धि के लिए मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा प्राणियों में एकमात्र आधार यही तो है। मैं तो इनके कोटि कोटि भक्तों में से एक तुच्छ गुणी और अहंकारी भक्त हूँ। इनके हृदय की विशालता देखिए कि मुझ जैसे अहंकारी भक्त की बात रखने के लिए ये आपके सेवक बने चटनी पीत रहे हैं। इस भयंकर भूल का कोई प्रायश्चित हो तो मुझे बताइए। क्या कर रही रानी? नहीं हो पाएगा। उस प्रायश्चित की कीमत क्यों मेरे प्राणों से चुकाई जा सकती है? आपने पहले तो मैं शिष्या आपके प्राण आपके चरणों पर लुछावर करने के लिए तैयार हूँ। आप पहले की बात नहीं। मेरे प्राण ले लीजिए मुनिवर। ऊपर आएंगे ना स्वामी को मेरे बच्चों से मुक्त कर दीजिए। मुझे कुछ और बताया था। बता रहे आपसे आपके नहीं देवी नहीं आपके प्राण तो मैं नहीं ले सकता। बता दिए थे। हाँ, यदि प्रायश्चित के तौर पर इनके बदले में कोई कीमत चुकानी हो हाँ तो प्राणों जैसी अमूल्य वस्तु को छोड़कर कोई मूल्यवान वस्तु इनके बदले में दे दो, हम इन्हें मुक्त कर देंगे। सच? हाँ देवी,
सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। सो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। कुछ क्या मुनीवर, इनके बदले में तो मैं आपको इतना दूंगी जितना आज तक आपने किसी ने ना दिया होगा। मेरे पास ऐसी अमूल्य मणियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं, इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा देवी? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूंगा जितने शास्त्र में मर्यादा है। शास्त्र में कितनी मर्यादा है? शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में इनके तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। कोई भी पदार्थ अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी। फल हो, फूल हो, अन्न हो, चावल हो, चाहे पत्ते ही हो देवी, जो कुछ भी हो आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूंगा। धन्यवाद देवर्षि, परंतु जब सत्य भामा इनका तुलादान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, बारीक मोतियों से करेगी। नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। जी बहुत सुंदर दृश्य देखिए, भगवान श्री कृष्ण का तुलादान होते हुए, और जैसा कि इस तुलादान का नियम था, मैं चाह रहा सबसे एक कृपया नीचे बैठ जाए ताकि पीछे लोगों को देख सके। आप सब खड़े ना हो, बैठ के दृश्य देखिए। भगवान कृष्ण को फल फूल मोतियों माला से तोलते हुए और जितने भी भक्तगण प्रसाद लेकर आए थे, ये वही प्रसाद है जिससे भगवान कृष्ण का तुलादान हो रहा है। और देखते हैं कि क्या ये प्रसाद, लाया हुआ प्रसाद इस तुलादान के लिए पर्याप्त रहेगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा, प्लीज नीचे बैठ जाइए ताकि पीछे कुछ दिख सके। रिकॉर्डिंग रख दीजिए, इसी पर रख दीजिए प्लीज। देखिए मोती चढ़ते हुए, हीरे हीरों से तोलते हुए, माणिक से तोलते हुए, फल फूल से तोलते हुए, लेकिन भगवान कृष्ण हैं कि अभी तक इस तुलादान को अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने दिया, अभी भी कुछ कमी रह गई। मैं चाहूंगा कि सब पीछे हट जाए एक बार, धीरे धीरे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज साइड हो जाएं, थोड़ा सा नीचे बैठिए प्लीज, पीछे जो पब्लिक है उसको भी एक बार दिखना चाहिए। मेरे बच्चे ये साइड आ रहा है, सबको देखिएगा, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये चमकी बोली वाले भैया, तेरे अहमद की भाषा बोल रहे रत्न को हरी
आस्था के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस दुल्हा पर। निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो, ये तो तुलसी के पत्ते से भी रीत जाएगी। सत्यभामा अपनी उंगली में तुलसी का पत्ता डालते हुए, माँ सत्यभामा ये लो।